हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा रिलीज हुई फिल्म शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स को। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने। तो वही फिल्म की कास्ट में है सिमु लियू, ऑक्विना, टोनी लियोन एंड मिशेल यॉन। तो फ्रेंड्स, कहानी फोकस करती है शॉन पर, जो एक नॉर्मल सा यंगस्टर है जिसे अपनी दोस्त कैटी के साथ घूमना, ड्रिंक करना और पार्टीज करना पसंद है, पर सिर्फ तब तक ही जब तक शॉन का पास्ट उसके सामने नहीं आता, जिसे शॉन ने सोचा कि उसने पीछे छोड़ दिया, पर ऐसा हुआ नहीं। और अब शॉन के सामने है उसका पास्ट, जिसका वो सामना कैसे करेगा और कैसे नहीं अपनी दोस्त कैटी के साथ मिलकर। वही जानने के लिए आपको देखनी होगी एमसीयू की फर्स्ट मार्शल आर्ट एक्शन एडवेंचर फिल्म शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स। तो फ्रेंड्स, एमसीयू के फेज 4 की फर्स्ट फिल्म शैंग-ची को रिलीज कर दिया गया है। आई नो फर्स्ट फिल्म ब्लैक विडो थी फेज 4 की, पर जिस टाइप की उम्मीद फैंस ने फिल्म से लगा रखी थी, वो फिल्म ब्लैक विडो बुरे नहीं बल्कि काफी बुरे तरीके से तोड़ती है। पर वहीं बात करूं शैंग-ची की, तो ये उन सभी उम्मीदों पर खरी उतरती है जो फैंस ने इसके ट्रेलर को देखने के बाद से लगाई थी। जिसकी सबसे पहले कास्टिंग की बात करूं, क्योंकि एमसीयू अपनी परफेक्ट कास्टिंग के लिए जाना जाता है, जो कि हमें इस फिल्म में भी देखने मिली है। जिसमें सबसे पहले बात करूं सिमु लियू की, तो वो परफेक्ट चॉइस है शैंग-ची के लिए, जिन्होंने शैंग-ची के कैरेक्टर में पूरी तरीके से जान डाल दी है। जिनकी एक्टिंग तो आपको फिल्म में पसंद आएगी, बाकी आप उन्हें एज अ शैंग-ची आगे भी देखना चाहोगे। बाकी ये एमसीयू की फिल्म है जिसमें कॉमेडी तो होगी ही होगी, जो करने का काम फिल्म में ऑक्विना के कैरेक्टर कैटी को दिया गया है, जिसके चलते उनकी एक्टिंग और कैरेक्टर दोनों ही आपको फिल्म में काफी पसंद आएंगे। तो वहीं सिमु लियू के साथ उनकी केमिस्ट्री भी आपको फिल्म में पसंद आएगी। तो वहीं फिल्म में जिनकी एक्टिंग मुझे ज्यादा पसंद आई, तो वो है एक्टर टोनी लियोन, जिन्होंने मैंड्रिन के रोल को बहुत ही अच्छे से प्ले किया है, जिसकी उम्मीद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, स्पेशली आयरन मैन 3 में पेन किंग्सले को मैंड्रिन के रोल में देखने के बाद, जो भले से ही फेक था बट उनकी एक्टिंग कमाल की थी। जिस लेवल की परफॉर्मेंस अब एक्टर टोनी लियोन ने भी दी है शैंग-ची फिल्म में, जिन्हें एज अ मैंड्रिन आप काफी ज्यादा पसंद करोगे। तो वही बात करूं बाकी सभी एक्टर्स की, तो उन सभी की परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि सभी ने अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया है। और अब बात करूं फिल्म की जान, फिल्म के एक्शन की, जो माइंड ब्लोइंग है, लिटरली माइंड ब्लोइंग, क्योंकि फिल्म में हमें देखने मिलते हैं मार्शल आर्ट, जिस टाइप के एक्शन फैंस ने एमसीयू की फिल्मों में अभी तक नहीं देखे थे, जिसके हर एक फाइट सीन को बहुत ही अच्छे से शूट किया गया है, जिसके चलते हर एक फाइट सीन पिछले वाले से भी और भी ज्यादा बढ़िया लगता है। तो वही बात करूं कहानी की, तो ट्रेलर में कहानी जितनी ज्यादा सिंपल लग रही थी उससे ज्यादा बढ़िया है, जिसे बिना स्पॉइल किए यही कहूंगा कि फिल्म में फैमिली स्टोरी और इमोशंस को जिस तरह से दिखाया और बिल्ड किया गया है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसके चलते स्टार्ट टू एंड तक हम इस फिल्म को एंजॉय करते हैं और फिल्म से कनेक्ट फील भी करते हैं। जिसे लेकर मैं यही कहूंगा कि शैंग-ची एमसीयू के फेज 4 का एक परफेक्ट स्टार्ट है, जो उन्होंने ब्लैक विडो फिल्म से मिस कर दिया था। तो वही फिल्म में जो वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है वो भी काफी कमाल की है, जो शैंग-ची की दुनिया में हमें ले जाने में पूरी तरीके से कामयाब होती है, जिसका क्रेडिट तो ऑब्वियसली फिल्म के डायरेक्टर को ही जाएगा, जिन्होंने फैंस को एमसीयू की एक और काफी जबरदस्त स्टैंड अलोन फिल्म दे दी है, जो ब्लैक पैंथर फिल्म की तरह ही कल्चर प्रेजेंटेशन में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो वहीं बात करूं कैरेक्टर्स की, तो फिल्म में फ्लैशबैक सीन्स काफी सारे हैं, जिनके जरिए ही कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट फिल्म में बहुत ही अच्छे से की गई है, जिसके चलते कैरेक्टर्स को हम काफी अच्छे से समझ पाते हैं और उनसे कनेक्ट भी हो जाते हैं। पर हाँ, एक कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन फिल्म में अच्छी है, पर उसका पे ऑफ इतना अच्छा निकल कर नहीं आता, जिस पर मैं स्पॉयलर्स के चलते बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसे काफी आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। क्योंकि बात करूं वीक पॉइंट की, तो वो है फिल्म का थर्ड एक्ट, जो मुझे फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले इतना पसंद नहीं आया। रीजन है मार्शल आर्ट्स और फिल्म का एमसीयू की पिछली फिल्मों से अलग होना, जिसे हम फर्स्ट और सेकंड एक्ट में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, पर वो थर्ड एक्ट में मिसिंग है, जिसमें हमें देखने मिलती है बिग फाइट, सीजीआई और काफी जबरदस्त वीएफएक्स, जिनका यूज फिल्म में काफी अच्छे से किया गया है, जो हमें ये याद दिलाता है कि ये एमसीयू की फिल्म है, जिसका क्लाइमेक्स तो बड़े लेवल का होगा ही, जो एमसीयू फैंस को काफी ज्यादा पसंद आएगा। पर पर्सनली इन्हीं रीजंस के चलते मुझे फिल्म का थर्ड एक्ट फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले उतना पसंद नहीं आया। बाकी फिल्म की लेंथ आपको थोड़ा बहुत फील जरूर होगी, क्योंकि सेकंड हाफ के बाद ये फिल्म थोड़ा स्लो हो जाती है, जिसका बीजीएम अगेन काफी बढ़िया है, जो इस फिल्म को और भी ज्यादा बढ़िया बनाता है।
तो ओवरऑल मेरी नज़र में शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स एमसीयू की एक हटके बनाई गई फिल्म है जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद करेंगे और जिसे वो एक या दो नहीं कई बार देखना पसंद करेंगे और ऐसे एक्शंस और फिल्म को वो आगे भी एमसीयू के यूनिवर्स में देखना चाहेंगे। जिसे ध्यान में रखकर ही मैं फिल्म शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स को दूंगा 4 स्टार्स। तो फ्रेंड्स ये था फिल्म शैंग-ची को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने फिल्म पहले से ही देख रखी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।